हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे मोदी सरकार का सेकंड कार्यकाल का और सेकंड मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ। मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है। इसमें आज अपन जानेंगे कि जो मंत्री होते हैं, जो शपथ लेते हैं, वो शपथ आखिर होती क्या है, वो सांवैधानिक परिपत्र होता है, उस सांवैधानिक परिपत्र में क्या लिखा हुआ होता है आखिर जो वो पढ़ते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और ये शपथ ग्रहण के बाद में उनके विभागों का बंटवारा कैसे होता है और इन मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और राज्यपालों को और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, इनके बारे में आज अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। शपथ ग्रहण करते हैं तब जो शपथ पत्र होता है यह एक सांवैधानिक परिपत्र होता है। इसको राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। इसमें संविधान के प्रति एक शपथ होती है अपने देश के प्रति, और वो शपथ वहाँ राज्यपाल और राष्ट्रपति के सामने अलग अलग मंत्री पढ़ते हैं और उस पर सिग्नेचर करते हैं। वो देश के प्रति अपनी भावनाएं, अपने कर्तव्य और अपना काम को दर्शाने के लिए उस शपथ पत्र पर साइन करते हैं, और उस शपथ पत्र जो लिखा हुआ होता है उनको मानना उनका कर्तव्य होता है। आइए अभी अपन जानते हैं उस शपथ पत्र में आखिर ऐसा क्या होता है। आइए देखते हैं। शपथ ग्रहण, उस शपथ ग्रहण में मंत्रीगण क्या बोलते हैं ये देखिए। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और अक्षुण्णता रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। फिर वापस सेकंड में और होता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुसंचित या प्रकट नहीं करूंगा। इस सेकंड का मतलब यह है कि अगर कोई भी अगर संविधान के मतलब कोई भी विचार या कोई भी कानून मैं ऐसे मंत्री के रूप में अगर मेरे सामने लाया जाएगा, तो मैं ऐसे किसी व्यक्तियों या किसी को भी वो जो कानून लाया जाएगा जो संसद में पास होने से पहले मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं अपने अंदर ही रखूंगा, मैं उसको सीक्रेट रखूंगा। इस सेकंड का मतलब ये है। अब अपन जानेंगे कि इनका विभागों का बंटवारा कैसे होता है, और प्रधानमंत्री के मंत्रीगण, राज्य के मुख्यमंत्री के मंत्रीगण, इनको आखिर शपथ दिलाता कौन है, इसके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं आखिर इन विभागों का बंटवारा कैसे होता है। विभागों का बंटवारा करने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास में होता है। प्रधानमंत्री अपने विशेष सिपहसालार जो होते हैं, जिन्हें एडवाइस देने वाले होते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सा मंत्री किस विभाग के लिए योग्य है, कौन सा मंत्री किस विभाग के लिए अपनी योग्यता रखता है, और वो उस मंत्री के रूप में इस देश के लिए बहुत ही अच्छा कर पाएगा, ऐसा कौन सा मंत्री है। तो प्रधानमंत्री अपने जो सलाहकार होते हैं उनसे सोच विचार विमर्श करके और तरह तरह के मंत्रियों को तरह तरह के विभाग देते हैं। तो ये पूरा विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी के पास में होता है कि किसको क्या मंत्री परिषद देना है, किसको क्या विभाग देना है। अब मंत्री को कौन शपथ दिलाता है, केंद्रीय मंत्री को, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है आदि, इसके बारे में अपन अभी देखेंगे। आइए देखते हैं कौन किसको शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नोट ध्यान करने वाली बात है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सेकंड, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। राष्ट्रपति तो शपथ दिला रहे हैं,
प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्री को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अब यहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति दोनों उल्टे हैं। राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको शपथ दिलाएंगे और वापिस अगेन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। उल्टा चलता है। जब राष्ट्रपति नया चुनता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को नया चुनता है तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। थर्ड, अब राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? राज्य के राज्यपाल को शपथ वो दिलाया जहाँ वहाँ का जो हाईकोर्ट है उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। ये ध्यान रखना, आप नोट करने वाली बात है। राज्य के राज्यपाल को शपथ वो दिलाते हैं जो वहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वो उनको शपथ दिलाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री व उनके मंत्रीगण को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ध्यान रखना, राज्य के मुख्यमंत्री को वहाँ का जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है राज्यपाल, वो राज्यपाल शपथ दिलाता है, उनके मंत्रीगण को भी राज्यपाल शपथ दिलाता है। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। नमस्कार।